सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की कला व संस्कृति को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। हिमाचल की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास रहेगा। कोशिश होगी कि सरकार की नीतियों को आम आदमी तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा देश भर में 1000 खेलो इंडिया अकेडमी बनाएंगे। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को भी ताकत दी जाएगी। यह खुलासा शिमला से बिलासपुर के लिए रवाना हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नमहोल में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में किया है। उन्होंने कहा, खेलो इंडिया चलाकर देश भर में अकेडमी खोली गई, इवेंट्स कराए गए, खेलो इंडिया गेम्स की गई, वहीं साई ट्रेनिंग सेंटर सहित अन्य योजनाओं को भी बल दिया गया। यूपीए की तुलना में आज खेलों का बजट कई गुना बढ़ा है। निश्चित तौर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हिमाचल की जो भी अपेक्षाएं होंगी उसके ऊपर खरा उतरेंगे। और हिमाचल न केवल एक पहाड़ी राज्य है, एक अग्रणी राज्य भी है। जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको भी यहाँ पर शानदार तरीके से लागू किया गया। राज्य की अपनी योजनाओं को भी जन जन तक पहुँचाने का काम हुआ है। और हमारा प्रयास रहेगा कि जहाँ आम आदमी तक सरकारी कार्यक्रम नीतियों को पहुँचाया जाए, सही खबर को पहुँचाया जाए, वहीं पर हिमाचल की कला संस्कृति को देश और दुनिया के कोने तक पहुँचाने का काम भी हम करेंगे। तो मैं जहाँ एक और खेलो इंडिया योजना चलाकर, खेलो इंडिया स्कीम चलाकर देश भर में अकेडमीज खोली गई, इवेंट्स कराए गए, खेलो इंडिया गेम्स की गई, वहीं पर साइड ट्रेनिंग सेंटर से लेकर बाकी योजनाओं को भी बल दिया गया। यूपीए के समय, आज के समय में कई गुना ज़्यादा उसका बजट भी बढ़ा है। और हमारा प्रयास है कि 1000 खेलो इंडिया जो अकेडमीज है उसको हम बनाएंगे। और इसके अलावा जो टॉप स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जहाँ पर देश और विदेश में भी ट्रेनिंग एलीट एथलीट्स को दी जाती है, उसको भी और ताकत देंगे ताकि हमारे खिलाड़ी भविष्य में ओलंपिक्स में और मेडल जीत कर आएँ। जिस देश के प्रधानमंत्री स्वयं खिलाड़ियों के साथ घंटे व्यतीत करते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या सुविधाओं में सुधार करना चाहिए, यहाँ तक कि जो मेडल नहीं भी जीत पाए उनको भी पर्याप्त समय देकर उनसे बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।